नमस्कार, वशिष्ठ मिश्रा सवराई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव कल होना है, वहीं भोपाल लोकसभा सीट पर भी कल ही मतदान होगा। मतदान रविवार सुबह 7 बजे से 6 बजे तक शाम को होगा। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। भोपाल में करीब 21 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। भोपाल लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 25-10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 10,000 से के करीब कर्मचारी मतदान करवाएंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा बलों के दस्ते भी पोलिंग बूथ पर तैनात रहेंगे। भोपाल से संवाददाता आयुष राठौर की रिपोर्ट। भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होना है। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के लाल परेड मैदान में, जो कि एक हब सेंटर बनाया गया है। मतदान दल जो है यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ईवीएम मशीनें हैं, वीवीएट मशीनें हैं, जो वोटिंग के लिए मशीनें हैं, वो यहाँ से रवाना की जा रही है। बड़ी संख्या में यह कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं, जो कि भोपाल में लगभग 2500 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहाँ इनको रवाना कर दिया गया है। करीब 650 जो बसेस थी सब में लगाई गई है। बसों के अंदर जो पूरी टीम है अधिकारी कर्मचारी की, जो पोलिंग बूथ पर रवाना कर दी गई है। कल सुबह 6 बजे से मतदान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ की फोर्सेस भी मतदान जो केंद्र रहेंगे वहाँ पर तैनात की गई हैं। कुल मिला के जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा प्रशासन द्वारा की गई है। प्रशासन जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन यहाँ पर भी एक व्यवस्था की गई है कि लोग जो आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, अपनी अपनी बस में बैठे जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ये जो मशीनें हैं ये जाते हुए आप देख सकते हैं ठीक तरीके से, ये मशीनें जो रवाना हो रही हैं। कल बैलेट यूनिट देखिए अभी रवाना हुई है, इसमें कल मतदान होगा। कल 12 मई को मतदान होना है भोपाल लोकसभा सीट पर, उसको लेकर प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट नयन के साथ आयुष राठौर, 7 आई न्यूज भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए।